प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार यानी 26 जनवरी को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों से अपने विचार करेंगे साझा। मासिक कार्यक्रम की यह 61वीं कड़ी। इस बार यह कार्यक्रम शाम 6 बजे होगा प्रसारित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 राज्यों की 24,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की समीक्षा। प्रगति प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रधानमंत्री ने देरी से चल रही परियोजनाओं पर अधिकारियों से मांगा जवाब। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने जम्मू में फंड की कमी से रुके प्रोजेक्टों को शुरू करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। जम्मू में कार्यक्रम के दौरान लोगों की शंकाओं व समस्याओं का किया समाधान। प्रधानमंत्री ने बाला साहिब ठाकरे की जयंती पर अर्पित की श्रद्धांजलि। एक ट्वीट में कहा, बाला साहिब ठाकरे को भारतीय नैतिक मूल्यों पर रहा हमेशा गर्व। जन कल्याण के मुद्दों को उठाने में कभी नहीं किया संकोच। कृतज्ञ राष्ट्र आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी 123वीं जयंती पर दे रहा श्रद्धांजलि। देश भर में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी दी श्रद्धांजलि। देश में नए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों NIT को मिलेंगे स्थायी परिसर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4,300 करोड़ रुपए की राशि की मंजूर। राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित करने की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय 3 माह बाद करेगा विचार। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर की गई है याचिका। चुनाव आयोग ने दिल्ली में पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन की स्मृति में आयोजित किया व्याख्यान। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी बतौर मुख्य अतिथि रहे उपस्थित। दिल्ली में आज गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। 26 जनवरी को होने वाली परेड को लेकर दिल्ली पुलिस द्वारा यातायात के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। चीन में कोरोना वायरस के प्रकोप पर रोकथाम पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की आपात बैठक। अब तक इस वायरस से 17 से अधिक लोगों की हो चुकी है मौत। अब खबरें खेल जगत से। गुवाहाटी में रंगारंग कार्यक्रम के बीच खेलो इंडिया प्रतियोगिता संपन्न। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बतौर मुख्य अतिथि रहे उपस्थित। महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में जीते सर्वाधिक पदक।